गोपियां, उनको कोई आता नहीं था, छोटे या बड़ा भी नहीं आते थे गोपियों को। गोपियों को कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन एक ही चीज आती थी, उनको नाचना बड़ा अच्छा था। लेकिन नाचना भी किसी और के साथ नहीं, नाचेंगे तो किसके लिए? कृष्ण के लिए। अरे बोलो, कृष्ण के लिए नाचेंगे तो किसके लिए? नाचेंगे तो भी ठाकुर जी के लिए नाचेंगे। अगर आपको नाचना भी आता है तो भगवान के लिए नाचना। अगर नाचेंगे भी भगवान के लिए तो वो नाचना भी भक्ति है। अगर आपका कंठ अच्छा है तो वो कंठ भी भगवान को ले जाएगा। अगर आपके पास मोबाइल अच्छा है तो मोबाइल में देखने से भी भगवान मिल जाएगा। क्यों माता जी, मिल जाएंगे कि नहीं? अरे बोलो भैया, बोले मिल जाएंगे। ये ताना मार रहा था मैं। अपराध है, तीन चार चीजें ऐसी हैं जो भगवत कथा में अपराध होती है। मतलब आप यहाँ आए हो, पुण्य कमाने, पाप लेके जाओ, दो तीन चीज सुनो, बता दो। एक तो सोना, ये भगवत अपराध है। अगर नींद आ रही है तो इससे बैठे मतलब चले जाओ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है आपको। अगर आपको नींद आ रही है कथा में तो अपने स्थान से उठिए, अपने घर जाइए, बेड पे एसी चलाइए, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि तो यहां अगर सोओगे तो मैं सोने नहीं दूंगा, यहां मोबाइल चलाओगे तो मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि आप पाप लेके जाओ। मैं कथा करूं और आप सब लोग पाप के भागीदार हैं, मैं थोड़ी चाहूंगा। मैं एक मोबाइल चलाना, ये सबसे बड़ा पाप है कथा। जितने भी लोग हैं सब मोबाइल को साइलेंट करके, स्विच ऑफ तो नहीं करोगे आप सब, मैं जानता हूं, साइलेंट करके रख दो। फोन आए देख लो, धर लो, बाद में कर लेंगे बात, है ना। एक व्यर्थ की बातें करना, अच्छा बच्चों को तो माफी है, कोई बात नहीं। एक सीधे बैठना, बिल्कुल ऐसे पैरों को आड़े तिरछे नहीं। ये तीन चार चीजें को समझो, कथा में ये काम नहीं करना। कथा में कभी भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं, कभी नहीं, ये अपराध है। कथा में बैठो ऐसे बैठो नहीं। अगर आपको नीचे नहीं बैठना तो कुर्सी ले लो। कुर्सियां उनके लिए होती जिनको नीचे नहीं बैठना होता, जिनको नीचे बैठ सकते वो नीचे बैठिए, ये भी अपराध है। अगर आपके हाथ पैर सही सलामत हो और आप कुर्सी पे बैठे हो तो भी अपराध है। अगर आपके हाथ पैर सही है तो बैठे उठने में आपको कोई तकलीफ नहीं है तो नीचे बैठे। ये तीन चार चीज जो है वो आपको कथा में नहीं करनी, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ध्यान से समझना इन बातों को। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं एक बड़ी सुंदर जगह पे, चलोगे?